सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस पावर को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे, रिलायंस पावर में जो तेजी बन रही है पिछले कुछ दिनों से, लगातार स्टॉक तेजी में है। और आज प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 5% की तेजी के साथ 36.34 रुपये के भाव में शेयर फिर से आते हुए नजर आया है। वॉल्यूम 6.65 करोड़ के आसपास आई है। और वहीं आप लोग जो बाउंड वीक हाई जो उसका 38 रुपये है, स्टॉक इस लेवल को अब जल्द से जल्द हमें छूते हुए नज़र आते हुए नज़र आएगा। और यहां से आप लोग अगले ट्रेडिंग सेशन में भी आ सकता है अभी, तो चलिए जानते हैं डिटेल में भी। सबसे पहले आप लोग समझो तेजी क्यों बन रही है शेयर में। तो तेजी बनने के पीछे, अभी जब ये स्टॉक 30 रुपये के आसपास था, तब यहाँ पर एक खबर आई थी कि कंपनी की जो विदर्भ इंडस्ट्री करके कंपनी है, विदर्भ इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड करके है, और वो इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत डेट था भाई, ठीक है। और उसके डेट के चक्कर में जो है कंपनी ने कॉरपोरेट गारंटी दी हुई थी, ठीक है। और कंपनी ने बोला कि वो हमने कॉरपोरेट गारंटी छुटा ली है, जो भी डेट वगैरह था वो पे कर दिया है विदर्भ इंडस्ट्री लिमिटेड का। और एक इसके लैंडर्स भी थे अभी कुछ, एक उनके साथ भी इन्होंने जो है सारी सेटलमेंट्स कर ली है। अब बैंकों और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनके सारे डेट कंपनी ने क्लियर कर दिए हैं। तो ये कुछ एक न्यूज कंपनी ने दी, कुछ एक अपडेट्स दी, कुछ एक सूचनाएं दी, जिसके चलते स्टॉक अब कंटिन्यूसली रैली में। तो डेट को लेकर सबसे बड़ी चिंता थी, तो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों कंपनियों ने डेट से रिलेटेड कुछ एक अपडेट डाली। और उसके बाद ये स्टॉक दोनों के दोनों आप लोग देखोगे जबरदस्त एक्शन में। इस शेयर के मैंने आपको 30 रुपये के आसपास तब बोला था, देखो भाई जब अपर सर्किट पर अपर सर्किट लग रहे थे तब नहीं मिल पाया शेयर में, जब बीच में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आया होगा तब आपने अगर खरीदा है तो अच्छी बात है, आपको जरूर मिले होंगे। अदरवाइज अब इसके आगे लेवल्स की मैं बात करूं तो आगे कैसे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं वो जानेंगे, और कल के दिन कैसे आ सकते हैं लेवल वो डिस्कस करेंगे, डाटा वगैरह कैसे। रिलायंस इंफ्रा की अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस इंफ्रा के अंदर भी आप लोग 280 रुपये के आसपास था तब वहाँ पर मैंने बोला, और अभी आप लोग 311-315 के आसपास आए थे, गया हुआ है 300-325 का हमारा पहला टारगेट, 300 का था, दूसरा 325 के आसपास का था, दोनों टारगेट हमें वहां पर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो चलिए रिलायंस पावर का जो डाटा वगैरह वो देख लेते हैं और आगे के लेवल कैसे रहेंगे। 6.65 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम आई है। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर बात करें तो स्टॉक जो है पीई रेशियो आप इसका देखोगे वो माइनस में चल रहा है भाई, ठीक है। इसके अलावा RSI MFI इसके थोड़े बहुत हाई हो चुके हैं 70 के, तो इसलिए ओवरबोर्ड जोन में जा चुके हैं। तो चलिए इसका डाटा और चार्ट देखते हैं। अगर बात करें डाटा की तो यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी एक बिग बाय ऑर्डर देखने को मिल रहा है, जो कि 34,37,255 क्वांटिटी का है, जो मार्केट प्राइस पर लगा हुआ है, यानी कि स्टॉक में हमें जो है एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान आप लोग देखोगे जो प्रीवियस क्लोजिंग थी इसकी 34.61 रुपये थी ना, ओपन हुआ है 36.31 के भाव में, यानी कि अपर सर्किट के आसपास, फिर स्टॉक ये 35.52 रुपये तक नीचे में गया, उसके बाद स्टॉक जो है अभी हमें अपर सर्किट में लॉक होते हुए नजर आया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव स्टॉक में, तब यहाँ से खरीदारी के मौके थे, और खरीदारी हमें जो है अभी शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए करने, ऐसा नहीं है आज खरीदा और कल बेच दिया परसों बेच दिया, यहाँ से जो है प्रॉफिट मिल जाएगा, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता रहेगा। पीछे स्टॉक में जो गिरावट बनी थी वो रिलायंस होम फाइनेंस के ऊपर जो सेबी की कार्रवाई हुई थी उसकी वजह से। तो चलिए इसका डाटा बिल्कुल पॉजिटिव है, अब इसका चार्ट और देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है 32.42 के ऊपर में, और 32.42 के ऊपर में ब्रेकआउट आते ही स्टॉक ने जो एक्शन दिया वो आपके सामने है। अभी जो शेयर है वो 36.34 रुपये के भाव में पहुंचा हुआ, और यहाँ से आप लोग देखोगे ये स्टॉक 38 रुपये जो हमारा पहला टारगेट था वो यहाँ पर आते हुए नजर आने वाला है। स्टॉक में जो पीछे गिरावट हुई थी तब भी स्टॉक एक स्ट्रॉन्गली अपट्रेंड में था, मैंने आपको समझाया था ना वहाँ पर, पैनिक नहीं होना इस शेयर को लेकर, यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा एक्शन आएगा। प्रमोटर्स का भी वहाँ से जो अभी आप लोगों का क्लेरिफिकेशन आ गया था बोर्ड ऑफ मेंबर्स की तरफ से भी, जो वो रिलायंस होम फाइनेंस वाला केस हुआ था कि हमारा कोई लेन देन ही नहीं हुई उस सब इन सब से, तो यहाँ पर क्यों हो जाए ऐसा सर। तो भी रिलायंस के जो फाउंडर हैं अंबानी जी, उनके ऊपर अगर एक्शन लिया जाएगा तो जाहिर सी बात उनकी कंपनियों को शेयर तो पिटेंगे, बस यही कारण था। लेकिन उसके बाद स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी भी आई है, तो डबल बॉटम के साथ एक अच्छा यहाँ पर जो अभी हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और ये शेयर ऊपर में एक अच्छा मूव हमें दे सकते हैं यहाँ से 40-50, ये टारगेट शॉर्ट टर्म में रहेंगे। बट लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक अच्छा कर रहा है और आगे अच्छा भी करेगा। डेट को लेकर चिंताएं थी, डेट कंपनी लगातार अपना कम करते हुए नज़र आ रही है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ सकता है, बट आपको पैसा उसी प्रकार से लगाना है जैसे एक स्मॉल कैप को आपको ट्रीट करना है। आगे आपकी मर्जी है भाई, क्या पता ये भी सुजलोन एनर्जी की तरह 80-90 पे भी पहुंच जाए भाई, ठीक। वो भी कंपनी डेट से जूझ रही थी कभी, और आज आप लोग देखो 6-7 रुपये के भाव में
जो चाहे वो रिकमेंड मैंने बार बार आपको कई बार बोला था भी, 6 रुपये के भाव में भी 7, 10, 15, 20 कई वीडियोज़ मैंने बनाई और आज आप बोल रहे हो 80 रुपये के भाव को टच कर रहा है वो शेयर, 44 के भाव में तब बार बार बोला लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, 1 साल के लिए रखोगे डबल होते हुए नजर आएगा, आप लोग देख सकते हो 40 से डबल हो गया, तो ये शेयर भी यहाँ से डबल हो सकता है, बट पेशेंस रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और बीच में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, देखो पीछे भी आपने देखा होगा उतार चढ़ाव आए ना, लेकिन स्टॉक इस भाव से देखोगे और ये भाव देखोगे आप लोग, आया तो आप लोग देखो ऊपर ही है ना, यहाँ से अगर मैं इसके भाव की बात करूँ तो ये बात अभी लगभग 13-14 मार्च की, जब ये स्टॉक 19 रुपये के भाव में था, 19 से आज आप लोग देखोगे 13-14 मार्च से आपको ये जो स्टॉक है विद इन 1 से 1.5 साल में आप लोग डबल हो गए हैं, तो इसलिए लॉन्ग टर्म में जो पैसा लगाओगे अच्छी कंपनियों में तो पैसा बनने की उम्मीद रहती है। आगे आपकी मर्जी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।